नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या, आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द ब्रांड न्यू अर्टिगा के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। पहले जो मैंने गाड़ी का वीडियो बनाया था वो इसकी मतलब कह सकते हैं कि पेट्रोल वेरियंट था, और अब जो मैं बना रहा हूँ वो इसका डीजल वेरियंट है, VDI। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। जो भी प्राइस होगा वेरिएंट वाइज, मैं आपको सारी डिटेल प्राइस की, एक शोरूम, RTO अमाउंट वगैरह सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में, तो आपको 1.3 लीटर इंजन दिया जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें इंजन के बारे में, सिलेंडर्स के बारे में, तो आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, टर्बोचार्ज इंजन है, वेव्स पर सिलेंडर आपको 4 दिए जा रहे हैं, 88.50 BHP एट द रेट ऑफ 4000 के RPM में आपको दी जा रही है, 200 Nm का टॉर्क मिलता है एट द रेट ऑफ 1750 के RPM में, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। टू व्हील ड्राइव आपको गाड़ी के अंदर दी जा रही है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम आपको CRDI फ्यूल सप्लाई सिस्टम गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के माइलेज के बारे में, तो 25.47 किलोमीटर पर लीटर का आपको गाड़ी माइलेज देती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि माइलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको माइलेज गाड़ी का देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो आपको 4395 mm की लेंथ दी जा रही है, 1735 mm की आपको विड्थ मिलती है, और 1690 mm की आपको हाइट दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ओवरऑल व्हील बेस के बारे में, तो आपको 2740 mm का व्हील बेस मिलता है गाड़ी के अंदर, R15 के टायर दिए जा रहे हैं, ट्यूबलेस और रेडियल दोनों अवेलेबल है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो मैक फर्सन स्ट्रट आपको फ्रंट सस्पेंशन दिया जा रहा है। और अगर फ्रेंड्स बात करें रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको टोर्शन बीम विद कोइल स्प्रिंग गाड़ी के अंदर दी जाती है, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। आगे आपको वेंटिलेटेड डिस्क दी जा रही है, जो कि ब्रेक है। और अगर ड्रम्स की बात करें, तो आपको रियर ब्रेक के अंदर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कि ओवरऑल जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, बिग गाड़ी है, इसलिए इसकी टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। अगर कह सकते हैं 5.2 मीटर्स की टर्निंग रेडियस आपको गाड़ी के अंदर दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की साइड के बारे में, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको यहाँ पर साइड व्यू जो मिरर दी जा रही है बॉडी कलर में मिलती है। आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, इंडिकेटेड इंडिकेटर्स जो साइड व्यू मिरर में होते हैं। आपको यहाँ पर जो डोर स्टार्ट से लगा के जो डोर का एंड है, वहाँ तक पूरा क्रोम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ब्लैक क्रोम ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। अगर फ्रेंड्स बात करें इधर के बारे में, तो आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, पावर विंडोज़ के चारों फोर डोर पावर विंडोज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, साइड व्यू मिरर कंट्रोल आपको मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी बहुत स्पेस आपको ऐसे कपड़े रखने के लिए यहाँ पर दी जाती है, और शायद आप मैगजीन्स भी रख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स इधर की बात करें, तो बॉटल होल्डर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, स्पीकर आपको गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, स्कफ प्लेट्स आपको अर्टिगा के बैजिंग के साथ में दी जाती है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि मैं गाड़ी जो है उसका जो ट्रीटमेंट किया गया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलती है, और मैं हमेशा मारुति के अंदर हर चीज़ की तारीफ करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी जो है वो मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लगती है, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि ख़राब ही है, बट ये है कि नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी होती है, जो कि मतलब एक कह सकते हैं कि एक जो अफोर्डेबल इंसान है वो गाड़ी ले सकता है। अगर फ्रेंड्स बात करें इधर के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में, इसकी जो स्टीयरिंग व्हील के बारे में और अफोल्टो स्टीयरिंग के बारे में, तो आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड दिया जा रहा है गाड़ी के अंदर। बाकी जो अफोल्टो स्टीयरिंग बीच अफोल्टो स्टीयरिंग आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। SRS एयरबैग गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में आपको एक मिलता है, एक एयरबैग आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके ब्लूटूथ और कह सकते हैं कॉल रिसीवर कॉल कट के ऑप्शन के बारे में, तो आपको यहाँ पर मिलता है। वॉल्यूम रोकर्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो कंट्रोल्स हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ इस साइड में आपको कंट्रोल नहीं मिलेंगे, सारे कंट्रोल्स आपकी जो ये स्क्रीन है छोटी सी, उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। मोड चेंज करने का भी आपको यहीं पर ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट के बारे में, तो आपको नहीं दिया गया है, आपको एक फुल साइज की मिलती है, जिसको आप साइड में लगा के और इसकी जो ये इग्निशन है इसको ऑन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी स्क्रीन के बारे में, तो इसका भी कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ओवरऑल जो भी वार्निंग लाइट्स हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। गाड़ी की अगर फ्रेंड्स बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें कंट्रोल्स के बारे में और मीटर्स के बारे में, फ्यूल इकोनॉमी का मीटर आपको यहाँ पर मिलता है, किलोमीटर ड्राइव एंड ट्रिप मीटर वगैरह सारी चीज़ें आपको अंदर दी गई है। और अगर फ्रेंड्स बात करें एनालॉग मीटर के बारे में, तो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये जो कंट्रोल्स हैं ये ठीक है, स्मार्ट हाइब्रिड की वेजिंग आपको मिल जाएगी इसके एनालॉग मीटर में, आरपीएम मीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर फ्रेंड्स बात करें टेम्परेचर मीटर तो आपको यहाँ पर गाड़ी का टेम्परेचर जो बताएगा वो आपको एनालॉग ही दिए जा रहे हैं सारे मीटर्स। अगर फ्रेंड्स बात करें वार्निंग लाइट्स के बारे में तो आपको हर गाड़ी के अंदर डिजिटल मिल जाएंगी, और अगर इधर की बात करें तो फ्रेंड्स ये इंडिकेटर और हेडबीम्स की लाइट्स हैं, और अगर इधर की बात करें तो वाइपर के कंट्रोल आपको गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, और ओवरऑल जो गाड़ी की आप ट्रीटमेंट है और स्टीयरिंग का ट्रीटमेंट है, बीच में भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, कवर की अगर फ्रेंड्स बात करें तो भी बहुत बढ़िया लेदर है, स्टीयरिंग व्हील आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। सनवाइजर्स की अगर फ्रेंड्स बात करें तो आपको टिकट होल्डर गाड़ी के अंदर मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। रीडिंग लाइट्स आपको गाड़ी के अंदर दी जा रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर वाले सनवाइजर्स की अगर फ्रेंड्स बात करें तो विदाउट लाइट लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिरर दी जाती है, कह सकते हैं अच्छा है। आपको मैन्युअली एडजस्टेबल कंट्रोल दिए जा रहे हैं जो कि कह सकते हैं एयर कंडीशनर के हैं, और इधर आपको कोई भी कंट्रोल और नहीं मिलेंगे। यूएसबी ऑक्सिलरी आपको दी जा रही है, यूएसबी 12V का जो चार्जर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें स्क्रीन के बारे में तो आपको टच स्क्रीन गाड़ी के अंदर इस वाला जो वेरिएंट है VDI वेरिएंट में नहीं दिया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट इसके अंदर भी ये ब्लूटूथ सपोर्टेबल है तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें ग्लो बॉक्स के बारे में तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको नॉर्मल ग्लो बॉक्स दिया जा रहा है, ना कि आपको कोई कूल्ड ग्लो बॉक्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स बात करें इधर थोड़ी बहुत स्पेस के बारे में तो हाँ फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ ऊपर भी दी गई है, सुजुकी का लोगो मिलता है। अगर फ्रेंड्स बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और एक जो होता है वो रिवर्स गियर होता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके एडजस्टेबल सीटिंग के बारे में तो आप यहाँ से ही गाड़ी की सीटिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सीट बिल्कुल ऑल द वे बिहाइंड ले ली, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया सिस्टम है गाड़ियों के अंदर। अगर फ्रेंड्स बात करें थोड़ी बहुत स्पेस के बारे में तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी जा रही है, जैसे कि कप होल्डर रख सकते हैं कह सकते हैं इसको। और अगर फ्रेंड्स बात करें हैंड ब्रेक के बारे में तो आपको यहाँ मिलता है, आर्म रेस्ट आपको गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया है, और ओवरऑल जो क्वालिटी है गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है गाड़ी के अंदर। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के रियर के बारे में तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो रियर डोर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इधर कंट्रोल्स के बारे में तो आपको इस पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत साइड में स्पेस दिया गया गाड़ी के अंदर, यहाँ पे भी एक छोटी सी अर्टिगा की स्कपलेट आपको मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की लेग स्पेस के बारे में तो फ्रेंड्स बहुत ही कंफर्टेबिलिटी के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल मैंने सीट पीछे ले रखी है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हेडरेस्ट की अगर फ्रेंड्स बात करें तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, रियर हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, बीच में आपको एक छोटा सा आर्म रेस्ट कह सकते हैं, यहाँ पर आपको कप होल्डर गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया है, एक 12V सॉकेट आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें सेंट्रल एसी के बारे में तो आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के बैक साइड के बारे में तो आपको यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिए जा रहा है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की बैक साइड के बारे में तो आपको जो लेग रूम है वो बहुत ही कम दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चों के लिए दिया गया है। सीट बेल्ट्स आपको रियर में मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर आपको गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, रियर रीडिंग लाइट मिल जाएगी, और थोड़ी बहुत स्पेस आपको साइड में दोनों तरफ दी गई है। सीट बेल्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, सीट बेल्ट वार्निंग भी गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे गाड़ी के अंदर, तो ये भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के रियर के बारे में तो आपको बिग साइज़ में अर्टिगा यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, वेरिएंट और स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग आपको यहाँ पर मिलती है, मारुति सुजुकी की बेजिंग आपको गाड़ी के अंदर यहाँ मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स बात करें बूट के बारे में तो जो बूट आपको दिया गया है वो 209 लीटर की पूरी ओवरऑल बूट स्पेस मिलती है, चाहे तो आप इसको सीट को फोल्ड करके और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको ओवरऑल 209 लीटर की बूट स्पेस दी जा रही है। टूल किट आपको यहाँ पर मिलेगा। स्पेयर व्हील की अगर फ्रेंड्स बात करें तो गाड़ी के नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। और अगर फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो आपको गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में दी जाती है। अगर फ्रेंड्स बात करें टेल लाइट्स के बारे में तो जो टेल लाइट्स हैं वो बहुत ही छोटी दी जाती है लेकिन लुक के वाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया है बैक साइड से। और अगर फ्रेंड्स बात करें इधर साइड के बारे में तो आपको बहुत ही बिग टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी लेकिन जो रियर लुक है उससे ये गाड़ी के मतलब कह सकते हैं कि छोटी आपको देखने को मिलेगी लेकिन साइड से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी के अंदर दी गई है। एंटीना की अगर फ्रेंड्स बात करें तो एंटीना जो है वो आपको फ्रंट में दिया जाता है
तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी और कंडीशन के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फ्रंट में आपको हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, और अगर फ्रेंड्स बात करें इंडिकेटर्स की तो आपको ऊपर दिलते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, और अगर इधर की बात करी जाए तो आपको फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर दी जाती हैं। ओवरऑल जो कह सकते हैं गाड़ी की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी आपको दी जा रही है, लेकिन तब भी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो आपका प्यार हमें दें। धन्यवाद।